हालेलुया, सब कुछ है मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन नमक का महत्व। जिस तरह न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16 की 20 आयत में लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप नमक हैं और नमक चीज़ों को सही रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जितनी भी बंद चीज़ें जैसे अचार होता है, उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है ताकि वह ख़राब ना हो। उसी तरह आप भी अपने गांव, शहर और देश का नमक हैं। बाइबल बताती है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसको किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। आप लोगों को सही राह दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगड़ गए और पापियों के जैसे हो गए तो लिखा है कि आपकी हालत पापियों से भी ज़्यादा बुरी होगी। क्योंकि जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वह पैरों के नीचे कुचला जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप सही नमक हैं तो शैतान आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। इसलिए अपने स्वाद को बिगाड़ने ना दें। आपका स्वाद तब ही बिगड़ता है जब आपका चरित्र गलत होता है और आपके जीवन में आप पाप आता है। बाइबल में जब हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथों से छुड़ाने के लिए चुना था, लेकिन उसने अपने जीवन में पाप किया, उसने व्यभिचार किया। तब फिलिस्तीनियों ने उस पर चढ़ाई की और उसे बंदी बना लिया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वह किसी काम का नहीं होता और वह पैरों के नीचे कुचला जाता है। मेरे प्रियो, उसी तरह आज कुछ लोगों का भी स्वाद बिगड़ गया है, उनमें मुर्दापन है और इसलिए उनके जीवन में बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ है। फिर वह कहते हैं कि हम इस दुख बीमारी से आजाद क्यों नहीं हो रहे हैं। वह अपनी बात को सही नहीं रखते, अपना चरित्र सही नहीं रखते। लेकिन जब आप अपना चरित्र सही रखते हैं, अपना स्वाद बिगड़ने नहीं देते, तो आप दूसरों को भी बचाते हैं और खुद भी दुख बीमारियों से, परेशानियों से आजाद होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें कि आप नमक हैं और आपने अपना स्वाद बिगड़ने नहीं देना है। आपने दूसरे लोगों को भी बचाना है, क्योंकि नमक चीज़ों को सही रखने और बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आप भी उसी तरह एक नमक हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि जो बुलाहट आपने मेरे जीवन में रखी है, मैं उसके अनुसार ही चलूँगा और उससे बाहर कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि उसमें ही मेरी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। God bless you all of you। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे।